जब ये सारी ही चीजें मेरे काम की हैं तो क्यों फेंकूं मैं? आपको पता है आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनमें ना आप अपने घर की छोटी छोटी चीजों को ना बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अपने घर को वेल मेंटेन्ड रख सकते हो, बट वो चीजें ना हमारी नजरों से छुपी होती है। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारे घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी नजरों से छुपी हैं, बस कमी होती है कि हम ना उन चीज को देखकर ये पहचान नहीं पाते कि अरे इसे कैसे यूज करा जाए। जब भी हम गोल्ड या फिर सिल्वर की ज्वेलरी परचेज करते हैं ना तो इन्हीं डब्बियों में मिलती हैं। अब ये जो डब्बियाँ होती हैं ना बहुत काम की होती हैं। इनके नीचे ये जो पेपर लगा हुआ होता है ना, इसके कारण अगर आप कोई भी ज्वेलरीज में रखो तो वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती। अगर आपकी किसी डब्बे में इस तरह का पेपर नहीं है तो आप इस तरह से कॉटन को रखकर भी इसमें अपनी कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख सकते हैं, आपकी ज्वेलरी कभी भी ब्लैक नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट टिप मेरा इसी से रिलेटेड है। इन डब्बियों में हमारी ज्वेलरी तो ब्लैक नहीं पड़ती हैं, इवन ट्रांसपेरेंट होती हैं तो विजिबल भी होती हैं, बट प्रॉब्लम जब आती है जब हम इन सभी छोटी छोटी डब्बियों को ना किसी एक किट में डाल देते हैं। किट में डालने के बाद होता क्या है कि ये सब डब्बियां ना आपस में मिक्स हो जाती हैं। जब हमें रेडी होना होता है तो हमें सारी ही डब्बियों को निकाल करके देखना होता है किस में कौन सी ज्वेलरी रखी हुई है। आप इन सभी डब्बियों को ना एक फैंसी किट में रखने की बजाय सिंपल एक मिठाई के बॉक्स में रखिए, कुछ इस तरह से। इस तरह से रखने का फायदा ये है कि सारी ही चीजें आपके सामने विजिबल है। जब भी आपको रेडी होना हो तो आप बस इस बॉक्स को खोलिए, जो भी आपको पहनना है उसे पिक करिए और जल्दी से रेडी हो जाइए। कभी कभी होता है ना कि कुछ प्लान इंस्टेंट बन जाते हैं और हमें कुछ ही मिनटों में रेडी होना होता है, उस टाइम के लिए ना इस तरह का बॉक्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस तरह की छोटी छोटी डब्बियां आपके पास में बहुत सारी ना हो तो इस तरह के पाउचेस भी हमें हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ में मिलते हैं। इनमें भी आप कॉटन लगा करके अपनी ज्वेलरी को ना बहुत लंबे टाइम तक ब्लैक होने से बचा सकते हैं। कुछ ज्वेलरीज को इन पाउचेस में रख दीजिए और इसी बॉक्स में ऐड कर दीजिए, काफी सारा स्पेस आपका बच जाएगा। अपनी किचन के स्पेस को सेव करने के लिए हम जनरली बड़े बाउल के अंदर छोटा बाउल रखते ही हैं, बट इस तरह से जब हम बाउल्स को एक दूसरे के अंदर रखते हैं ना तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब गलत इसलिए कि जब हम एक बाउल को दूसरे बाउल के अंदर रखते हैं ना तो इनके डिजाइन के कारण इनके बॉटम में ना स्क्रैचेस आ ही जाते हैं। इससे बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं इस तरह की पतली सी फॉर्म शीट्स का। और हाँ, इन शीट्स को परचेज करने की कोई नीड नहीं। जनरली जब भी आप कांच के कोई भी बाउल या फिर कोई भी जार खरीदते हैं ना, उनके साथ में आपको ये मिलती ही हैं। तो गलती से भी इन्हें फेंकने की भूल मत कीजिएगा। आप ना चीजों को देखने का थोड़ा सा नजरिया बदल दीजिए, बस आपको भी समझ आने लगेगा कि आपको एक्चुअली किस चीज को किस तरह से यूज करना है। जब भी आप किसी भी स्टैंडर्ड शॉप से समोसे ऑर्डर करते हैं ना तो इस तरह के छोटे सी डब्बी में आपको चटनी सॉस इस तरह की चीजें मिलती हैं, और अक्सर यूज करने के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं। इनका यूज सुनने के बाद ना अब आप इन्हें कभी फेंकने की गलती नहीं करेंगे। देखिए, इनकी जो ग्रिपिंग होती है ना बहुत ही क्वालिटी की होती है, क्योंकि इनमें सॉस या चटनी आती है तो इनकी ग्रिपिंग इस तरह की होती है कि बिल्कुल भी लीक नहीं होती। इनकी ग्रिपिंग बहुत कमाल की है और साथ में इनका साइज भी, जिसे हम छोटे से छोटे पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। बट इन्हें पर्स में कैरी करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ आपसे, वेडिंग सीजन चल ही रहा है और देखिए कई बार जब हम पार्टी में रेडी होकर जाते हैं ना, कितने भी अच्छे से रेडी होकर के चले जाएं, बट हमारे जो इयररिंग्स वगैरह होते हैं, आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहनते ही हैं सब, तो कभी कभार ना होता है ना कि पार्टी के अंदर ही उनका लॉक मिस हो जाता है। जिस भी पर्स को आप अपने वेडिंग में यूज करने वाले हैं ना, उसी पर्स में छोटी सी डब्बी में ना इस तरह के लॉक्स को डाल ही दीजिए। आपके नहीं तो हो सकता है किसी और के काम आ जाए, क्योंकि ना तो ये चीजें लास्ट मोमेंट पे याद रहती और ये छोटी सी डिब्बी तो ढूंढने से भी नहीं मिलती।
और नेक्स्ट टिप भी मेरा इसी से रिलेटेड है। जनरली पार्टीज में जाने से पहले पार्लर तो जाना होता ही है। अब पार्लर में जाने से पहले भी ना हम अपने इयर रिंग्स या फिर जो भी गले में पहना होता है उसे उतार के तो नहीं जाते, वहीं पर उतारते हैं। और जल्दीबाजी में होता क्या है, इन सब चीज़ों को ना हम अपने पर्स में ऐसे ही डाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत बार ना इस तरह से पर्स में डालने से ना हमारी चीज़ें इवन मिस भी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इवन जो हम डेली में कैरी करते हैं वो चीज़ें गोल्ड की होती हैं। देखिए आ गई ना यूज़ ये पर्स में पड़ी हुई खाली डब्बी, बहुत ही काम की है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं बट इम्पॉर्टेंट बहुत होती हैं। इनकी वैल्यू ना हमें तभी समझ में आती है जब कई बार हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस या फिर वैल्यूएबल चीज़ ना मिस हो जाती है। बच्चों की बुक्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, अब इन्हें प्रॉपरली छोटे से स्पेस में रखना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। इन बुक्स के लिए ना कार्डबोर्ड से बेस्ट ऑर्गेनाइज़र और कोई भी नहीं है, क्योंकि कार्डबोर्ड के बॉक्सेस ना बहुत सारे साइजेस में हमारे घर पर मिल ही जाते हैं। अपने बच्चों की बुक्स के साइज और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं ये दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजर, और जो कि मेरी एक ही छोटी सी टेबल पर बहुत अच्छे से आ गए हैं। सारी ही बुक्स आपके सामने विजिबल होती हैं और इनमें से अगर कोई भी बुक पिक करना हो ना तो बहुत ही आसान काम होता है। बच्चों का टाइम टेबल लगाना ना बहुत ईजी हो जाता है इस तरह के ऑर्गेनाइजर से। अब इस वाले ऑर्गेनाइजर की विड्थ देखिए कितनी कम है, और ये कम इसलिए ही है क्योंकि वान्या के पास थोड़ी सी बुक्स हैं, बाकी बुक्स रहती हैं उसके बैग में। बुक्स का साइज थोड़ा सा पतला है और विड्थ चौड़ी है, तो इसलिए इसका ऑर्गेनाइजर मैंने पतला बनाया। अगर इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा ले लेती ना तो बुक्स आगे की तरफ गिरने लगती। इवन वंश की बुक का जो साइज है वो प्रॉपर है, अच्छी खासी मोटी बुक्स हैं, कॉपीज भी मोटी हैं, तो उन्हें ना खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक दूसरे के सारे बहुत ही इजीली वो स्टैंड हो जाती हैं और आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं गिरती। आजकल के बच्चों को ना डेली नहीं तो एक या दो दिन में नई पेंसिल चाहिए ही होती है, और हर बार ये पेंसिल तभी की ज़रूरत होती है जब मैं या तो किचन में होती हूँ या मैं अपने काम में बिजी होती हूँ। तो हर बार इस पेंसिल बॉक्स को खोल करके पेंसिल निकालना, बच्चों को देना, फिर इसे बंद करके इसकी जगह पर रखना ना बहुत इरिटेट करता था मुझे। इवन कभी तो वान्या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बोलती है कि पेंसिल नहीं है मेरे पास, बिल्कुल जब स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। उस टाइम पर ये टास्क थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, अब इस पेंसिल बॉक्स को ना हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कट कर दिया। अभी टास्क खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कट करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला, अभी इसे सही जगह पर रखना भी है। अब इस पर लगाई है मैंने ये डबल साइडेड टेप, जो कि इसे बहुत ही अच्छे से हैंग करने में मदद करेगी। अब आप इसे अपने किसी भी अलमीरा के डोर में ना इस तरह से हैंग कर दीजिए, चाहे तो आप इसे किसी किचन के डोर में हैंग कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली टाइम हम किचन में रहते हैं और बच्चे तभी जिद करते हैं जब हम किचन में होते हैं। यहाँ से पेंसिल को निकाल करके बच्चों को देना बहुत ही ईजी है, ना आप बार बार इसे खोलने और बंद करने का झंझट, ना ही इस बॉक्स को अपनी जगह पर रखने का झंझट, और यहाँ से ना बच्चे अपने आप भी बहुत ही ईजीली पिक कर सकते हैं। अपनी एक वीडियो में मैंने बनाई थी एक बहुत ही प्यारी सी मल्टीपर्पज़ बास्केट, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस बात की गारंटी है कि बनाएंगे ना तो आपको तारीफ ज़रूर मिलेगी। पहली बार चैनल पर आई हो तो सब्सक्राइब जरूर प्रेस कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, आपको ना बार बार मेरी वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं दस्तक खुद दे दूंगी आपके दरवाजे पर। चलिए फिर मिलूंगी इसी तरह की किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।